जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ राखी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल एलिसिटी राखी रसोई में। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल पुआ रेसिपी। बिहार में बहुत ही पसंद करते हैं, बिहार स्टाइल आप सभी को शेयर करके दिखाऊंगी। आप सभी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दिखाते हैं। 2 कटोरी मैंने लिया है मैदा, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी लिया है और 1 कटोरी भर के मैंने चीनी लिया है। तो चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी मैदा को भिगोने के लिए एक बड़ा सा बर्तन का इस्तेमाल करें। सूजी मैदा और चीनी जो है एक साथ ही मैंने डाल दिया है बर्तन में। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इस तरीके से आप बनाएंगे तो पुआ जो है आपका बहुत ही बढ़िया बहुत शानदार बनेंगे, फूले फूले एकदम बनेंगे। तो आप बने रहें। अच्छे से मिक्स कर दिया है। करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है। तो कितना मोटा और पतला रखना है वो आपको अभी हम आगे बता देंगे। तो देखिए पहले इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको तैयार करेंगे। एक साथ ही ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए को तैयार करें। और पानी के जगह आप सभी दूध लेना चाहें तो दूध में भी इसे भिगो सकते हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसे फेंटना ज़रूरी है, इस तरीके से मिक्स करना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसे ढक करके मिक्स कर लेने के बाद अब इसे 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ढक के रख दिया है। अब चलिए 3 घंटे के बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए 3 घंटा हो गया है और 3 घंटे के बाद जो है आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा हो गया है तो इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला करेंगे। पुआ के लिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा जो है इसके अंदर गुठली है, इसको फेंट के इसका जो अंदर का गुठली है वो ख़त्म करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं या फिर इस तरीके से कलछी लेकर इसे फेंटें और 10 मिनट करीब इसको इसी तरीके से फेंटेंगे तो पुआ जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा, बहुत ही फुले फुले बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं फेंट लूँगी। पुआ बनाने के लिए सूजी मैदा को भिगोना बहुत ही ज़रूरी है। इसे कम से कम 2.5 से 3 घंटा ज़रूरी भिगोएं। सूजी मैदा को आप जितना देर भिगो कर रखेंगे उतना ही अच्छा जो है पुआ बनकर तैयार होता है, बहुत ही बढ़िया फुला फुला पुआ बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया है, काजू और बादाम थोड़े से देखिए इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद अब इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते थे, 2 से 3 घंटा पहले जब हम भिगोने के लिए रखे थे तो उस टाइम भी डाल सकते हैं। उसके बाद साथ ही मैंने डाल दिया है यहाँ पर इलायची पाउडर 1/2 चम्मच के करीब। डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी अभी ढककर। 10 से 15 मिनट के बाद इसे बनाऊंगी, फिर दिखाते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया पुआ बनकर तैयार होगा गाइस। 10 से 15 मिनट हम इसमें काजू बादाम को भीगने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं 10 से 15 मिनट करीब हो गया है, लगभग 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और देखिए इधर तेल गरम है, कलछी में जो है मैंने बैटर ले लिया है। बैटर को जो है इस तरीके से बीच में डाल दूंगी और डालने के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया बनेगा। और साइड साइड से जो है इस तरीके से तेल को उछालना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ना करें, हल्का हल्का सा जो है तेल इसके ऊपर इस तरीके से डालें, इसे टच नहीं करना है। और देखिए जब फूल जाए तो इसको पलट दें। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला फूला जो है बनते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से पुआ बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ चीज़ें जो हैं जानना ज़रूरी होता है। बनाने से पहले आप इस तरीके से चीज़ें ज़रूर फॉलो करें तो बहुत ही बढ़िया आपका पुआ बनकर तैयार होगा। स्पेशली पुआ जो है होली के समय बिहार में बनाते हैं।
बहुत ही पसंद करे जाते हैं। तो देखिए हमारा पुआ तो बनकर तैयार है, आप भी इसी तरीके से इस होली पे बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। चलिए इसी तरीके से बाकी का भी पुआ मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पुआ बनकर तैयार है, ये देखिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है एकदम बिहार स्टाइल पुआ रेसिपी। अंदर से तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही नरम, बहुत ही स्वादिष्ट, खाते ही मुंह में घुल जाए, इतना बढ़िया पुआ बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और भी रेसिपी आप सभी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप सभी मेरे चैनल पे जाके ज़रूर रेसिपी देखा करिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैंने डाल रखी है। तो आप लोग देखिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी को मेरी ये रेसिपी, बाकी की भी रेसिपी पसंद आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी के लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। मेरे चैनल से आप सभी नए जुड़े हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो डालती नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाएंगे और आप सभी मेरी रेसिपी मिस नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।